Once in Bombay, Shamshad Begum came in contact with the best of music directors of that time. Shamshad gave her untrained voice a classical bass. The combination was magic. Shah Jahan, Anmol Ghadi, Dard, Dulari, Aam, Dildar, Dil Lagi, Mother India, Ambaz, Babul, Mela, Beju Babara and Mughal-e-Azam. Her voice created a cult following. फिर यहाँ पे नौशाद साहब के साथ उनको गाने को मिला, उन्हें बड़ा पसंद आया कि 18 पिक्चरों में उन्होंने उनके साथ की है। देखिए उनके तो इतने गाने चले, बच्चे बच्चे को याद है। इनके तो एक उन्होंने बनाया था क्या नाम उसमें उसमें वो था वो नहीं होता बैकग्राउंड में था कि टाइटल म्यूजिक में था, धरती को आकाश पुकारे। Shamshad Begum's singing style under the baton of music director Chitalka Ramchandra broke all the rules of traditional film music. The sheer fun in the words and in the tune gave the audience exactly what it was looking for, entertainment. उनके साथ शनाई से काम करना शुरू किया। संडे के संडे आना, मेरी जान संडे के संडे। गाने मतलब आज भी बहुत पॉपुलर है। हाँ आज भी वो अंडे वाले टीवी पे बैठे अंडे संडे के संडे के वाले होते हैं। मैं वही जान संडे के संडे आना, मैं वही जान संडे के संडे I love you। पतंगा में गाने वो भी इन्हीं का म्यूजिक था ना, श्री रामचंद्र का। जी हाँ वो मर पिया गए रंगून। हाँ किया है वहाँ से टेली। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेली। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। सचिन देव बर्मन with sheer elegance in his simple melodies backed by rich orchestration brought about another distinctive feature to her singing. Shamshad Begum really hit the top when S.T. Vernon recorded her songs for the film Bahar. बर्मन साहब के साथ तो गाया कितनी पिक्चरें गाए। बर्मन साहब ने शुरू ही हमारे साथ ही किया, यानी हमने उनकी पहली पिक्चर में प्लेबैक हमने दिए। ये दुनिया रूप की तोर, बचाले मुझे बाबू रे, ये दुनिया रूप की तोर। But it was music director Opie Nair who gave Shamshad Begum the opportunity to carve unforgettable milestones in her career. R-Par, Mr. and Mrs. 55, CID, Naya Dor, Naya Ambaz and Kismet. ओपी नैयर साहब ने हमको क्या नाम एक पिक्चर में लिया था ना,
आर पार में जी हाँ, तो आर पार को गाना गाया हमने, कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर, देखिए ये याद आ गया, ध्यान में आ जाता तो आ जाता, नहीं तो गए काम से। कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर, कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर, For 30 years of singing under the baton of a wide range of music directors, duets with the famous singers of that time made Shamshad Begum synonymous with Hindi film music. Shamshad Begum brought to the film songs the gusto and dynamism of Punjabi folk music, the joy and verve of Bhangra, and the rhythm of Dholak Ke Geet. जितने भी प्लेबैक आर्टिस्ट थे, ये जो है किशोर कुमार के साथ गया, इसके साथ तो मैंने फिल्मों में वो गाना किया, मेरी नींदों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, ये उसका मेरा ड्यूट बहुत चला था। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत, मन की दीना की दिन तीज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया सुन, मन की दीना की दिन सुन। As Shamshad Begum reached her peak by the mid-60s, the decline set in with the not so pleasant changes in the commercialized film industry. As she reminisces, she knew it was time for her to make a graceful exit. देखिए ऐसी चीजें आ गई इंडस्ट्री में कि आदमी का काम पीछे पड़ गया और वो जो उस्तादी है वो आगे आ गए, तो उस्तादी उनके साथ हम पूरे नहीं उतर सकते थे, काम जितना है सारा दिन करेंगे करेंगे, लेकिन उस्तादियां ना हमसे हुई ना हमने की, इसीलिए हमने छोड़ ही दिया। It's been more than two decades since the Begum left the industry, but the yearning to do more still remains. वो तो आर्टिस्ट ही होता है कि मैं इससे भी अच्छा हो जाऊं, मैं इससे भी बेहतर कर सकूं, ऐसा गाऊं कि लोग सुन हो के, अभी तो आराम से सुनते सुन नहीं हो जाए, देखते रह जाए कितना कमाल जादू भी गाने वाला हिसाब किताब। The same songs that enriched Shamshad Begum's life and led her to be pioneering work in playback singing, today those same songs only fill her with uncontrollable nostalgia and sadness. धरती को काश पुकारे आ जा हो आना ही होगा इस दुनिया को छोड़ के प्यारे जीते